रिवान था यहाँ पहुंच गया चलते चलते। जी तो फ्रेंड यहाँ पे मेरी कॉफी रेडी हो गई। अस्सलाम वालेकुम का सब लोग फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, अपने अपनी लाइफ्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स मेरी शक्ल में मत जाइए, आज 3 दिन हो गया मैंने भूल लिया। तो फ्रेंड यहाँ पे लाइट ऑफ है एज यूजुअल, वी आर इन पाकिस्तान। हम आपको बताना चाहते हैं हम पाकिस्तान में हैं। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता जो है रेडी हो गया और जेजी का भी रेडी हो गया, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैम आमना भी उठ चुकी हैं। मैम आमना कुछ कहना चाहेंगी? आमना उठ चुकी है से, आमना भी उठी है, आमना घंटा हो गया, 1 घंटा 2 घंटा उठ गया। आमना ने माशाल्लाह वजू किया, नमाज पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको बैक कैमरे से ये अपना पहले जेजी दिखा। हेलो बोलो, हेलो बोलो, नजर आ रहे हो? अब ना देखो जाके नजर आ भी रहा है नहीं? नहीं यार आपका बच्चा नजर इधर आ रहा है नजर। हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बैग कैमरे से नाश्ता है जेजी का चाय रस, इसमें हम लोग टी बैग इसको डाल के देते होते हैं। और अगर हमारी चाय बन गई हो तो फिर तो हमारे लिए अच्छा मसला कोई नहीं होता, अच्छा मसला कोई नहीं होता फिर तो हमारे लिए मसला कोई नहीं होता। तो हम लोग ले आए हैं इस दफ़ा डेरी मंग, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये दूध बहुत ही ज़्यादा पतला है। और ये मेरी कॉफ़ी रेडी हुई है, यहाँ पे मेरे स्लाइसेस हैं, यहाँ पे मैं लगाऊंगी क्या लगाऊंगी बटर, और फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और जेजी को भी करवाती हूँ। वही शक्ल है, वही मुंह नहीं धोया हुआ, लेकिन अंदर में हमें लाइट की वजह से जो है इशूज़ आ रहे थे बहुत ज़्यादा। अच्छा जेजी को हम लोगों ने जो है ना आज वो डेरी मंग इसको हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ना दें बिल्कुल भी, क्योंकि ये इसके लिए अच्छा नहीं, बहुत ही ज़्यादा पतला है। ओलपुरस जो है बेस्ट है, इकरारुल हसन के घर में भी वही यूज़ होता है। यहाँ पे मेरी कॉफी, आप कहेंगे आपको कैसे पता फ्रेंड्स, उसकी बीवी का ब्लॉग था और उसने ना ओलपुरस पड़ा हुआ था फ्रिज में। फ्रिज में नहीं पड़ा था, वो बाहर पड़ा था। ओलपुरस की उसने बनाई थी और दूध चाय बनाई थी, मेरा ख्याल है उसका रोज़ा था, तो उसने रोज़े की अपनी रूटीन बताई थी। और ये हम लोगों ने अब इसको चाय नहीं दी, सिर्फ रस रस निकाल के चाय, और ये रस इतनी भी पतली नहीं थी वैसे, रस के अंदर ज्यादा ही लग रही थी। हाँ, और ये हमारा जेजी बैठा हुआ है, नजर आ रहा है जेजी, जेजी माय बेबी, माय गुड गुड बेबी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रेंड्स ये है मेरी कॉफी, ऑलमोस्ट मेरा ब्रेकफास्ट डन हो गया। आमना का दिल नहीं चाह रहा अभी करने को, तो आमना जब करेगी तो फिर आपको बता देंगे। फ्रेंड्स ये आज हमें आए हैं कहीं से चावल, बिरयानी है ये, और देखने में खुशबू और वैसे भी मज़े की लग रही है। अब खा के इसको देखेंगे कि ये कैसी है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए रख ली है चाय नहीं आई थिंक सो कि मैं कॉफ़ी पीऊँगी, कॉफ़ी अभी शेक करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये मैंने कॉफ़ी ली, इसको आप ओपन करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर डाल दिया। यहाँ से मैं लूँगी पानी, ये मैंने खोल दिया इसको, थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं। आमना वैसे थोड़ा ज़्यादा करती है, वो कहती है कि अच्छी शेक होती है फिर ना। ये है मेरी कॉफ़ी मशीन, इसको करते हैं शेक। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी शेक हो रही है ये। आमना भी चाय लगी रहती थी पूरा पूरा घंटा स्पून के साथ करने ना, ये देखो आप बहुत ज़बरदस्त हो रही है। थोड़ा सा जोर लगता है इसको प्रेस करने में, अच्छी चीज़ है यार, बहुत अच्छी चीज़ है। देखने मुझे ये लग रहा था कि ये अच्छी नहीं होगी, देखो बहुत ऊपर तक आ गया, देखो कप बहुत नीचे है ये। सो अमेजिंग, मुझे तो लगता है कि हमें सारे काम छोड़ के और एक कॉफ़ी शॉप खोल लेनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी में हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन अब जो है हम इसको इजी वे पे कैसे बनाते हैं ये लोगों के साथ शेयर करते हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हमें कोई अपनी ना शॉप या रेस्टोरेंट ज़रूर खोलना चाहिए। तो वन डे आई विल, इंशाल्लाह ये मेरी ख्वाहिश है
कि मैं एक जो है वो स्नैक बार ओपन करूँगी जिसमें कॉफ़ीज़ और सैंडविचेस इस तरह की चीज़ें होंगी, और कॉफ़ी बिल्कुल वो अप लेवल इंशाल्लाह, मतलब कि जैसे मशहूर हैं किस किस की बक्स एंड ग्लोरिया जीन्स उस टाइम ना कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे वीडियो जो है ना वो स्टॉप करनी पड़ी, तो मैंने कहा उधर से स्टार्ट कर दूँ। एंड हेयर इज योर फेवरेट यूट्यूबर ओह माय गॉड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आमना आपको बताएंगी कि वो क्या नाश्ता करने लगी है। थोड़ा पीछे लेके जाए, ये मैं खाने वाली हूँ जी नूटेला। वो ऐसे भी फ्रेंड्स ऐड करती है ना लड़कियाँ इन्फ्लुएंसर से क्रीम ऐसे मुंह से लगा। मैं खाने वाली हूँ नूटेला ब्रेड। दीदी ने क्या खाना है? लगा था केक निकाल सके रिक्वेस्ट कर दो फ्रेंड से। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइक कर दें, वीडियो को उल्टा पुल्टा हो गया बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू। यहां पे लाइट नहीं आई तो हमने सोचा 5 दिन हो गए लाइट नहीं है, बताओ हम कैसे गुजारा करें ये बताओ। कैसे चार्जिंग ये कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं चीजों को, कितना टफ पीरियड हम गुजार रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस अंधेरे में खाते हैं जी रोटियां, घर की रोटियां। फ्रेंड्स लाइट जाने से हमने घर की रोटियां तो बना ली फ्रेंड, वैसे इससे कोई ताल्लुक नहीं है लाइट का रोटियों से, क्योंकि फ्रेंड्स हम वैसे बना सकते हैं रोटियां पर फ्रेंड्स हम कुछ करने को नहीं है, तो हमने कहा अपना काम लंबा कर लें रोटियां बना लें। ये हैं जी कबाब और फिर हमने बना लिया। फ्रेंड मैं आपको बैग से दिखा दूँ बाबा जो अच्छे नहीं लग रहे कैमरा में, बट ये फ्रेंड्स खुशबू बड़ी अच्छी अच्छे लग रहे, दिखाओ जरा धनिया अच्छा लगता है ग्रीन। ये देखो अम्मा ने ये चार सही कटा भी, ये फ्रेंड मामा की काम है। अंधेरे में फिर कितनी की लाइट में कितना का क्या हो सकता था। ये मैं जेजी को खिला रही, जेजी को पराठा भी इतना पसंद नहीं है और सूखी रोटी भी, ये ऐसे मैं खिलाती हूँ देख लो ऐसे ऐसे चूड़ी टाइप करके ना ऐसे माशाल्लाह। जेजी को बटर वाली रोटी बहुत पसंद है। फ्रेंड हम खा के आपसे मिलते हैं। फाइनली वी आर इन लाइट। हमें लग रहा था कि हम कोई पिछली सदियों में चले गए हैं जिधर लाइट होती नहीं, हमें लग रहा है इस घर में लाइट आया थी, इस घर में लाइट है। पांच दिन बाद आफ्टर 5 डेज आपको लग नहीं रहा होगा लाइट आ गई है। कभी भी यकीन नहीं आएगा कि 5 दिन से हम लोग लाइट एक सेकंड भी नहीं आई, एक सेकंड भी नहीं लाइट आई और हम लोग गुजारा कर रहे हैं। हमारा सबर देखो आप लोग, हमारी वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं ठीक है, और सारा कुछ हो रहा है, फ्रेंड टाइमिंग अदल बदल गई है, आज नहीं हुई अपलोड। तो फ्रेंड यही वजह थी, अम्मा ये नहीं लगाना हमें बताना चाहिए, बताना 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 लोगों को बताएंगे कि हमारी हमने किस तरह यूट्यूब पे काम किया है। और ये मेरा मुंह तो मैंने हमें 4-5 दिन हो गया धोया नहीं हुआ फ्रेंड, मैंने रोज धोया। तुमने तो माशाल्लाह 2-3 दफा धोया ना, तो 5 दफा धोया माशाल्लाह तुमने तो। हाँ मैं तो नमाज ही नहीं पढ़ी थी, ना मैंने नहाई हूँ ना मैंने कुछ किया कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल फारिग होके बैठी हुई थी। बस ये होता था फोन चार्ज कर लेते थे रात को जेजी के लिए, लाइट ऑन करने के लिए, और थोड़ा बहुत काम कर रही थी मैं जो कहाँ से चार्ज कर लेते लोगों ने कहा लाइट बस कर रहे थे कहीं से कर रहे थे ना जाके, घर में लाइट नहीं थी। तो 5 दिन बाद मेरी लाइफ का रिकॉर्ड टूट गया कि 5 दिन के बाद लाइट आई है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ के 5 दिन लाइट नहीं थी। 5 दिन ओह माय गॉड। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम लोग बहुत खुश हैं, और मेरे हाल में पता नहीं अब व्लॉग का एंड हम लोग यहीं करेंगे, एक्साइटमेंट में नहीं करेंगे, अभी कॉफी वगैरह पियेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, हमें और बहुत से काम करने हैं, अब घर की सफाइयाँ होनी है, बर्तन वगैरह हम लोग थोड़े थोड़े करके धोते रहे हैं यूज वाले, और उसके अलावा ये की चीजें हम लोग बहुत मुश्किल मैनेज करते रहे हैं, जो ये चीजें हम लोग आपको नहीं दिखाते फ्रेंड्स, ये चीजें जो हम लोग फेस कर रहे होते हैं जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तब हम आपको बताते हैं। लेकिन अपने अंदर सब्र पैदा करें, अपने अंदर सुकून पैदा करें, अल्लाह पे हर चीज़ छोड़ दें। 5 दिन लाइट नहीं थी और अल्लाह पे छोड़ के हम लोग सुकून से बैठे हुए थे, और हमारे हर काम हो रहे थे, खा भी देते हर काम कर रहे थे ऑब्वियसली। तो अल्लाह पे जो बंदा शाकिर होता है ना यू नो वो इतना सक्सेसफुल होता है, इतना सक्सेसफुल होता है जस्ट लाइक मी अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे जैसे बने, हम जैसे लोग आप लोगों के लिए मोटिवेशन होते हैं।
यार ये लोग कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को देख के बंदा कहता है यार ये कर सकती है तो मैं भी, मैं क्यों नहीं। तो बस इसलिए ये सारी चीजें आपको बताते हैं। अब आपको ना भी बताते कि 5 दिन से लाइट नहीं आई, वीडियो तुम्हारी अपलोड हो रही थी ना, अब पीछे वो कितना हमने 5 दिन में सफर किया है वो आपको नहीं बता रहे, लेकिन अभी लाइट आ गई है तो आपको बता रहे हैं। अगर किसी को यकीन नहीं है कि 5 दिन यहाँ पे लाइट नहीं आई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपका आपको ना इधर के कॉलोनी के जो बड़े हैं ना ऑफिस वाले यहाँ, मतलब कॉलोनी के जिसका भी आपको कहे ना, बड़े बंदे का नंबर दूंगी जिससे आप किसी से भी पूछ सकते हो कि यार इधर 5 दिन से लाइट, वो हमारा दे देंगे आगे से। 5 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं थी, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये कोई आपकी सिंपैथी लेने के लिए, या अब तो लाइट आ गई है, अभी तो इस चीज की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपको ये बताने कि यार हम लोग भी जिंदगी को सफर करते हैं, टेंशन होती है यार वीडियो इस टाइम पे अपलोड होनी, यार मुझे काम करना है, मैं फ्रीलांसर, आई एम अ पब्लिक फिगर, यू नो, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ये चीजें मतलब प्रॉब्लम करती है। अभी मैं इस लेवल पे नहीं कि मैं यूपीएस में चलो लगवा ही ले बंदा, तंग होके ही लगवा ले, ऑब्वियसली हर चीज आप तंग होके लेते हो, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, मैं मिडिल क्लास हूँ तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं एक अपर क्लास लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, एक लग्जूरियस लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे खाने पहनने से आपको पता लगता होगा कि मैं एक अच्छी लाइफ अपर क्लास जो है वो स्पेंड कर रही हूँ। मकसद ये आपको बताने का कि लगवा भी ले, अब ये रेंट के घर हैं, आज इधर आज उधर आज इधर आज उधर, सारी सेटिंग वगैरह करवा लें, एसी लगवा लें या यूपीएस वगैरह लगवा लें, जिधर इतने काम होते हैं ये भी हो सकता है, लेकिन मैं खुद ही इसको अभी लगवाना नहीं चाहती, अभी मेरा बजट भी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैं लगवाने के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी नहीं हूँ कि यार मैं लगवा लूँ, या छोटा बच्चा यार लगवाना चाहिए कि सारी है, जब आप चेंजिंग करते हो ना आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, बहुत ज़्यादा आप एसी उतरवाने वाले को बुलाओ, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो यह है कि शुक्र अल्लाह का, थैंक यू सो मच अल्लाह कि लाइट आ गई। ओ माय गॉड फ्रेंड, मैं इस चीज़ से खुश थी कि ना हमारी मोटर में पानी, टैंकी में पानी था फ्रेंड, मोटर में पानी नहीं, टैंकी में पानी था, जो 5 दिन अभी तक फ्रेंड्स पानी है उसमें, और ये भी पूरे पाकिस्तान की भी कुछ दिन पहले लाइट गई हुई थी ना, हाँ पूरा पूरा दिन जा रही थी, और पूरी पूरी मतलब बहुत बहुत वो बीच में आ भी तो गई थी ना, दो दो घंटे बाद आके भी जा रही थी, नहीं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम भी, बहुत ज्यादा टाइम भी गई थी, पर फ्रेंड 5 दिन पहले। फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे भी 1 दिन गई है, ये किसी ने यहाँ पे वार्ड चढ़ाते तोड़ दी थी तो वो आ गई थी, फिर उसके बाद फ्रेंड सही करके गए हैं और 5 दिन लाइट नहीं थी। ये वेंसडे गई हुई थी, वेंसडे की 4:15 की गई हुई थी, और ये आज आई है संडे को कितने बजे, 8 बजे, रात के 8 बजे। 5 दिन फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, इसका टाइटल होगा 5 दिन लाइट नहीं थी। हाँ आज क्या है, संडे, ये संडे भी लॉग है। हम आ गए हैं जी वापिस अपनी येलो लाइट पे फ्रेंड, 5 दिन बाद ये लाइट चली, 5 दिन बाद ये लैपटॉप चला है, चलने वाला है फ्रेंड्स, और 5 दिन बाद मोटर चली है फ्रेंड्स। लोगों ने बीच में थोड़े काम किए हैं तारे लगा के, हमारा तो वो भी नहीं हुआ। हम शुक्र अदा कर रहे हैं, हम कोई आ ही ना जाता कंप्लेन करने, तो फ्रेंड हमारे तो दुश्मनी बड़े, वो जो जिधर लगा के देते हैं, जो लगा के देते हैं, जाहिर है उन्होंने जिन्होंने खुद लगाई हैं उनके पीछे है ये अप्रोचे, तो उन्होंने लगाई है ना, वो तो मुझे ऑफर कर रहे थे कि आप भी लगा लो, कोई इतना मसला नहीं है, आप लोग भी टैंकी वाला भर लो, लेकिन हमारी भरी हुई थी फ्रेंड, हमारी भरी हुई थी, लेकिन आज अगर ना आती तो शायद फिर मैं उनको कहती कि हाँ लगा दो, क्योंकि आज हमारी टैंकी खाली होगी। तो फ्रेंड्स कुछ मेरे साथ बच्चे हैं ऑब्वियसली, तो वो कोई मर्द भी नहीं है इवन, तो वो फिर ना सारे बड़ा कह रहे थे कि यार बच्चा है छोटा बेटी है तो मतलब अच्छी बात नहीं, तो अगर आपको चाहिए कोई भी चीज तो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा थैंक यू फ्रेंड्स। पर जब लास्ट ये गई है ना पूरे पाकिस्तान की लाइट, तब हमें बड़ा वो हुआ था कि हाँ हमारे घर तो पानी नहीं था, तब तो हमने नेबर से मांगा था, तब से ना हमने पानी की बॉटल्स भर के रखी हुई थी, वो भी हमारा इतना मसला नहीं था, पर टैंकी में फ्रेंड्स वॉशरूम के लिए वो भी नहीं यूज़ हुई है, पर फ्रेंड्स हमने आग लगाई लेंस, क्योंकि वो फ्रेंड टैंकी से टूटी से पानी आना और वैसे पानी बॉटल से यूज़ करना बड़ा फ़र्क होता है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आएंगे अपने नए ब्लॉग लेके, फ्रेंड मैं इतनी डिफरेंट क्यों लग रही, मुझे 5 दिन बाद फ्रेंड्स ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ से पकड़ी कभी यहाँ से पकड़ी, तो फ्रेंड जैसा हम लोगों ने ब्लॉग्स नीचे रखे हुए थे, आज हम आपको बता रहे थे कि नीचे हम लोग थोड़ी बहुत वीडियोज रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर अब जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो फिर हम उसको पब्लिक करके और अपलोड कर दें, तो डेली ब्लॉगिंग हो रही है लेकिन एक दो दिन नीचे भी होता है समटाइम्स, आज हमारा वेद खुल गया है, क्योंकि अगर देखें
ये पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी टाइम भी ब्लैकआउट हो सकता है, तो अगर हम लोगों ने ये वीडियोस नीचे ना रखी होती तो फिर आपको हमारे व्लॉग्स देखने को नहीं मिलते ऑब्वियसली। और मुझे लगता है कि हर डेली व्लॉगिंग करने वाला जो बंदा ना, वो अपने पास मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि 50+ वीडियोज़ उसने रखी होती हैं, तो ज़्यादा उसने बनाई हैं तो ही रखी है ना यार। ऐसे जादू से थोड़ी बन जल्दी तो फ्रेंड दिए था आज का। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड और फैमिली के साथ। हेलो हाफिज फ्रेंड, आई एम सो एक्साइटेड फ्रेंड 5 दिन बाद लैपटॉप देखने के लिए। हेलो हाफिज।